नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ आशा। आज पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और आज हल्द्वानी में इसको लेकर बहुत से प्रोग्राम हुए और इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के शहीद पार्क में जहाँ अनमोल संकल्प सिद्धि फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम कराया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या कार्यक्रम है और वो कैसे। मेरे साथ मौजूद है अनमोल संकल्प सिद्धि फाउंडेशन की अध्यक्ष सुचित्रा जायसवाल जी। तो नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। आपने किस तरह का प्रोग्राम अरेंज कराया है, आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम यहाँ आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करने आए हैं इस अमृत महोत्सव में। मेरा मानना है कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें ये कुछ देखने को मिल रहा है। और वैसे भी हमारा देश पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से बहुत जूझा है, बहुत ही सफ़र किया है और आज हमें ये सेलिब्रेट करने को मिल रहा है। तो आज हमारा पर्पज़ सिर्फ इतना है कि आज के दिन को हम सेलिब्रेट करें और एक साथ मिलके सब लोग मिलके इस समारोह को बहुत खुशी से मनाएं। और हम यही सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास संगीत विद्यालय से छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, आप देख रहे होंगे, वो सब अपने संगीत से देशभक्ति के गीतों से यहाँ समा बांधेंगे। और बहुत सारे लोग आए हुए, आज शहर के सारे गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित होंगे और बस हमारा सबके साथ मिलके एक सेलिब्रेट करने का इरादा है। तो हमारे बस पर्पज यही है कि सब लोग मिलके खुशी मनाएं आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस की। मैम आप क्या संदेश देना चाहेंगी आज? संदेश यही है कि बस ये भगवान करे ये दिन हमेशा आए और हमेशा हम इसे सेलिब्रेट करें और सब लोग मिलजुल कर आगे बढ़ें और देश को आगे ले जाएं। बस यही संदेश है कि सब लोग मिलजुल कर काम करें। तो मेरे साथ अब मौजूद है प्रीतमरा वर्मा जी। तो मैम क्या कहना चाहेंगी आप इस दिन? सबसे पहले तो आप सभी को आज इंडिपेंडेंस की ढेर सारी बधाई। और जैसा कि है कि आज एक उत्सव की तरह हम लोग ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, 75वां महोत्सव है और कोशिश यही है कि इसको हम दिवाली की तरह सेलिब्रेट करें। ये विक्ट्री का नहीं, विजय दिवस है और मुझे लगता है कि इसको जितनी प्यार से और जितनी यूनिटी से मनाया जाए सभी के लिए उतना अच्छा होगा। मैं संकल्प सिद्धि फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेरा यही कहना है कि हमारा प्रोग्राम जैसे हम हमेशा भी करते आए हैं, जब भी देश के लिए हम हमेशा समर्पित रहते हैं और जब जब कोई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं तो हमारा रहता है कि बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लें। हमारे पास जितनी हमारी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से हम लोग अपना पूरी कोशिश के साथ में योगदान देने की कोशिश करते हैं। और आज का दिन तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि आज का ये पर्व है, एक स्पेशल पर्व है, हमारा 75वां साल मनाया जा रहा है, तो देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे, मैं तो जगह जगह देख रही हूँ आज मॉर्निंग से, क्या आज 3 दिन से जिस ढंग से जोश है लोगों में, ईश्वर करता है कि ऐसे ही जोश हमारा बना रहे हमारे परिवारों में और सबके साथ में कि ये देश के लिए सबके लिए हितकर होगा। तो हमने आपको दिखाया अनमोल संकल्प सिद्धि फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति के गीत गाए, इसके साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके नाम के दिए बिछाए गए। और हमने इस फाउंडेशन के मेंबर से भी बात की और उन्होंने बताया कि वो हर साल ऐसे कार्यक्रम आयोजित कराते हैं और हमने देखा कि यहाँ मौजूद लोगों में कितना उत्साह था। तो आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वैशाली शर्मा अपने सहयोगी अब्शार बख्श और रोहित भट्ट के साथ जे न्यूज़ हल्द्वानी।